नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत आज के इस प्रोग्राम में। मेरा नाम वर्तिका चौधरी है और एमवे की मार्केटिंग टीम की तरफ से आज आप इस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं। और आज हम ये इवेंट नहीं है, मैं कोई सेशन नहीं है, पर आज आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलने वाला है। तो सॉरी, इस इवेंट की शुरुआत कर रहे हैं हम इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। अगर अभी तक तो समय हो चुका है और आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसा मैंने कहा, आज का ये जो प्रोग्राम है ये खास हमने आपके लिए रखा है ताकि आप इंस्पायर हो सके अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत करने के लिए। आज आप हमारे कुछ ऐसे स्पीकर्स को सुनेंगे, उनकी स्टोरी सुनेंगे एंड आई एम श्योर कि आपको वो इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप भी अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकेंगे। तो आइए इस इवेंट की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी नॉर्थ इंडिया की रीजनल मार्केटिंग मैनेजर शिफाली गांधी को। मैम, वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस वंडरफुल इवेंट टुडे। वेल, थैंक यू सो मच वर्तिका। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम एंड अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू अ वेरी इवेंट फ्रॉम मार्केटिंग टीम नॉर्थ इंडिया। आज यू नो बहुत स्पेशल डे है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक्सपर्ट्स, राइट? एक्सपर्ट्स जब हम बात करते हैं, एक्सपर्ट कौन बनता है बाय द वे? एक्सपर्ट्स वो लोग होते हैं जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट्स की खूबियों को अपने ऊपर अपनाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और यू नो डाउन द लाइन बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं और गाइड कर सकते हैं। सो ऐसे ही कुछ एक्सपर्ट्स हमारे बीच में हैं आज। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि यू नो हम क्या बात करने वाले हैं आज। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। सो यू नो इन द लास्ट 6-8 मंथ्स बहुत सारी चीजें हुई हैं और अगर यू नो देखा जाए, इम्यूनिटी, हेल्थ, लाइफस्टाइल, ऑल दीज टॉपिक्स हैव बीन वेरी वेरी हॉट एंड सिजलिंग। बहुत सारे लोगों ने, अगर आप देखें लास्ट 6 से 8 महीने में जितने भी सर्जेस आए हैं इन द गूगल सर्च, सो फर्स्ट वॉज इम्यूनिटी एंड हाइजीन, हाउ टू मेंटेन द इम्यूनिटी ऑफ द फैमिली, हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए। देन द नेक्स्ट वॉज, जिसमें अगर आप सर्चेस की बात करें गूगल में, तो बहुत सारे लोगों ने सर्च किया था हाउ टू रिड्यूस वेट और हाउ टू मेंटेन वेट, बिकॉज बहुत सारी चीजें परकुलेट करती हैं हमारे लाइफस्टाइल से, द यू नो द अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन अवर लाइफ, द अमाउंट ऑफ यू नो आई वुड से फ्यू थिंग्स, फ्यू हैबिट्स आई वुड से। अब जैसे कि मैं बात करूँ चूजिंग द राइट ईटिंग, हम में से कितने लोग हैं जो बहुत अवेयर है बट यू नो समवेयर वी टेंड टू इग्नोर अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि बहुत आसान होती हैं, लेकिन उनको प्लग इन करना, उनको अपनी लाइफ के अंदर जो है एम्बाइब करना, उसकी देरी रहती है। और तब जब हम अपने गोल सेट करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को उसकी तरफ ले जाते हैं कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, व्हाट इज अवर गोल, व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव, कितने टाइम में कितना फिट होना है, फिट होना है या वेट लूज करना है, वेट लूज करना है या मसल गेन करना है, सो मेनी थिंग्स आर देयर विच वी कीप थिंकिंग। सो टूडेज प्रोग्राम वी वुड ट्राई टू एम्फसाइज, और आज जो हमारे बीच में एक्सपर्ट्स हैं, सो आई वुड से दैट यू नो दे हैव लिव्ड दिस जर्नी, दे हैव विद देयर कॉन्शियस डिसीजन, विद देयर कॉन्शियस आई वुड से चॉइसेस, दे हैव बीन एबल टू मेक अ डिफरेंस, अ मार्क। और आज इसीलिए ही वो हमारे साथ है ताकि हम सबको इंस्पायर कर पाए और प्रोडक्ट के बारे में और नॉलेज दे पाए। सो टुडे वी हैव बोथ द स्पीकर्स फ्रॉम दिल्ली। आज हमारे साथ है नीरू अरोड़ा मैम एंड रेवती कपूर मैम। बोथ हैव गॉन थ्रू देयर ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी और मैं उनमें से एक के ग्रुप पे भी एडेड हूँ और बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है डे टू डे, एवरी डे, you know how you are counting your steps, how you are keeping a check on what you eat, are you taking proper nutrition, because everything is related to right entry of the nutrients into your body. So aaj let's begin this wonderful program.
और क्वेश्चन आंसर के जरिए यू नो वी आर इन कन्वर्सेशन विद दीज टू एक्सपर्ट्स एंड आफ्टर दैट वी वुड कम टू द प्रोडक्ट एंड हाइलाइट्स ऑफ हाउ इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन योर बॉडी इन योर न्यूट्रिशनल इनटेक एवरी डे. सो लेट्स बिगिन. Let's wait no further, and with the virtual applaud, I would once again, like to welcome both of our experts. So, Vartika, can we start the conversation as soon as possible because we are now waiting. We actually cannot wait anymore to listen to the expert advices of our speakers today. So, over to you, Vartika. Absolutely. Thank you so much, ma'am, for setting the context right. और अगर आपने सुना शिफाली मैम को तो उन्होंने कहा आज आप ऐसी स्टोरी सुनने वाले हैं, ऐसे लोगों से सुनने वाले हैं जिन्होंने खुद अपने ऊपर इसे एक्सपीरियंस किया है. तो इससे पहले कि मैं अपनी स्पीकर्स को आज के इन्वाइट करूँ, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो फिटनेस जर्नी है, ये वेट मैनेजमेंट की जो जर्नी है, शुरू बहुत सारे लोग करते हैं. हम सब एक ना कभी ना कभी लाइफ में फिट होने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं, बट उस रास्ते पे बने रहना, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कई बार मुश्किल हो जाता है, कई बार मोटिवेशन हम लूज कर जाते हैं. तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी नीरू मैम को ऑन दिस वर्चुअल स्टेज. और मैम, अ वॉर्म वेलकम टू यू. मैंने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स देखे हैं, मैंने आपकी स्टोरी पर्सनली सुनी है मेरे फ्रेंड से, मेरे कलीग से, और आज हम जानना चाहेंगे आपसे खुद कि ये जर्नी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे ये जर्नी कैसी रही आपके लिए, क्या रहा overall experience. I am sure बहुत सारे ups and downs रहे होंगे. Over to you, ma'am. Thank you, Vartika. Thank you, Shefali, for this wonderful invite, for this wonderful session. And जैसे अभी आपको Vartika and Shefali share कर रहे थे, when I started this journey, तो मतलब एक ऐसी situation थी जब मैं कहीं पे खड़े होकर session ले रही थी and I was promoting Nutralite. And suddenly, मतलब something happened, like even I don't know what happened, and I felt कि यार मैं promote कर रही हूँ a healthy weight loss, I'm promoting body की, and if I look at myself, I'm not the right person to promote it. और वो एक दिन था जिस दिन मुझे लगा नहीं, first of all, I need to be a fitter person so that people actually feel कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ वो सच है. नहीं तो लोग क्या करेंगे, लोग ये सोचेंगे कि जो ये लोग बोलते हैं वो सिर्फ बोलते हैं, ये काम चीजें काम नहीं करती हैं. तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था मेरा इस जर्नी में आने का, टू टेक दैट इनिशिएटिव कि नहीं, आई हैव टू गो थ्रू दिस जर्नी. एंड द जर्नी वाज एब्सोल्युटली, आई विल नॉट से वेरी स्मूथ, बट यस, देयर वर अप्स एंड डाउन्स, देयर वर फेस्टिवल टाइम, देयर वाज ऑब्वियसली पार्टी टाइम इन द फैमिली, एंड देन सोचना कि क्या करूँ, खाऊं नहीं खाऊं, क्या करूँ, मैं तो वेट लॉस पे हूँ. बट विथ न्यूट्रलाइट, विथ बॉडी की, दिस जर्नी वॉज मच ईजियर, मच स्मूदर, and very energetic. And I'll tell you, jo best I felt was like after my weight loss also, and through this now stay into this journey, one thing I experienced maximum was ki jab main baki logon ko dekhti thi na jo weight loss ke through jate the, unki skin pe na unki aging effects dikhne lagte the. But when I went through this weight loss journey na, people started telling me, you started looking younger. So I would give all this credit to Nutralite. Because of the right nutrition that I took in, I was able to maintain my skin, was able to reduce my weight, was happier, was energetic, everything in a package I got. It was not like, जब भूख लगती है ना तो चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है, तो वो इरिटेशन नहीं हो रही थी क्योंकि भूख नहीं लग रही थी. I was able to satisfy my hunger also, और healthy तरीके से सब कुछ manage कर पा रही थी. तो जर्नी वॉज गुड. इट मतलब आई लॉस्ट ऑलमोस्ट इन दैट ड्यूरेशन, आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 16 केजीज, एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट मोर देन 6 months, बिकॉज आई वॉज नॉट इन अ हरी टू लूज इट. आई वॉज एबल टू लूज इट एंड वॉन्टेड टू लूज इट इन अ मोर हेल्दी वे सो दैट इट डजेंट कम बैक. एंड पूरे इस लॉकडाउन में भी मैंने खूब अच्छे से, जैसे बाकी लोग खा रहे थे पी रहे थे, सब कुछ किया. I went through all the exercising workouts of for me also, and I was able to manage myself. I have not gone through this weight gain again
सो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट के इस जर्नी में जो एक चीज सीखी, जो वेट लॉस होता है ना वो वापस नहीं आता है. अगर आप अपने आप को इस ड्यूरेशन में मैनेज करना सीख जाओ, आपको पता चल जाए कि क्या खाना है, कब खाना है. एंड बेस्ट पार्ट जो बॉडी की के साथ मुझे लगाना वो ये था कि आप खा खा के वेट लॉस करते हो, है ना. बाकी बहुत सारी चीजों में मैं गई, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, सब जगह ये बोलते थे कि खाना छोड़ दो और वेट लॉस हो जाएगा. वो तो बहुत आसान है यार, सूप शेक्स पे चले जाओ वेट लॉस हो जाएगा, दैट इज वेरी इजी. बट क्या आप सूप और शेक्स पे या खाना छोड़कर जिंदगी भर रह सकते हैं? नहीं. आपको वो काम करना है जो आप जिंदगी भर कर सकते हैं. एंड यहाँ पर मैं आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक श्रेया बिकॉज शी गाइडेड मी अ लॉट थ्रू दिस जर्नी. उसने मुझे बोला कि 5 मील्स कैसे लेने हैं, क्यों प्रोटीन लेना है. मुझे भी कई बार लगता था यार प्रोटीन लेने से वेट गेन हो जाएगा, देन शी एक्सप्लेन के नहीं वेट गेन नहीं होगा, आपका मसल बिल्ड होगा.